नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि कैसे आज का मुकाबला दोस्तों होते ही देखने को ये मिला कि दोस्तों मुंबई इंडियंस जहां पॉइंट टेबल में सबसे नीचे खिसक गई है, तो वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को दोस्तों एक बहुत बड़ा फायदा मिला है और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम जो है दोस्तों वो सीधे पॉइंट टेबल में टॉप पर पहुंच चुकी है। और खास बात जो है वो ये है कि आज लखनऊ और गुजरात का दोस्तों एक महामुकाबला होने वाला है और आज के इस मुकाबले से ये डिसाइड हो जाएगा कि कौन सी टीम पॉइंट टेबल में टॉप पर बनी रहेगी और कौन सी टीम हमेशा के लिए पॉइंट टेबल में सेकेंड नंबर पर पहुंच जाएगी, क्योंकि आज का जो मुकाबला है वो लखनऊ और गुजरात के बीच में होने वाला है, तो दोनों ही टीमों के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं कि आज का मुकाबला किस तरह का रहने वाला है और किन किन टीमों के बीच में होने वाला है। तो जी हां, आपको बता दें आज लखनऊ और गुजरात के बीच में दोस्तों मुकाबला खेला जाएगा, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हम पॉइंट टेबल की। तो जी हां, चलिए पॉइंट टेबल की स्थिति की बात कर लेते हैं। तो देखिए, लखनऊ की टीम जो है ना वो अभी भी पॉइंट टेबल में टॉप पर बरकरार है। लखनऊ ने 11 मैच खेले हैं और 11 में से 8 मैचों में जीत हासिल की है और इस वजह से उनके पास टोटल 16 पॉइंट हैं, जबकि गुजरात की जो टीम है वो दूसरे नंबर पर है। इनके पास भी 16 पॉइंट हैं 11 मैच में, लेकिन इनका जो नेट रन रेट है वो कहीं ना कहीं लखनऊ सुपर जायंट से काफ़ी ख़राब है। इसके बाद राजस्थान रॉयल की टीम तीसरे नंबर पर है, इनके पास 14 पॉइंट हैं 11 मैच में, यानी 7 मैच इन्होंने जीते हैं, जबकि बेंगलोर की टीम ने भी 7 मैच जीते हैं लेकिन इन्होंने 12 मैच खेल लिए हैं और 12 मैच खेलने के बाद इनके पास सिर्फ और सिर्फ 14 पॉइंट हैं, जबकि दिल्ली कैपिटल जो है उन्होंने 11 मैच खेल लिए हैं और इनको दोस्तों सिर्फ 5 पॉइंट मिले हैं और इस वजह से दिल्ली कैपिटल की टीम जो है वो 5वें नंबर पर है, जबकि हैदराबाद की टीम ने अभी तक सिर्फ 5 मुकाबले जीते हैं और ये भी 6ठे नंबर पर है। इनका नेट रन रेट दिल्ली से ख़राब है, इस वजह से ये 10 पॉइंट के साथ 6ठे नंबर पर है। कोलकाता की टीम 7वें नंबर पर है, इन्होंने 5 मैच जीते हैं अभी तक 12 मैचों में से और कल का मुकाबला जीतने के बाद ये पॉइंट टेबल में थोड़ा सा ऊपर जरूर खिसक कर आए हैं, लेकिन इनकी हालत लगातार ख़राब होती जा रही है। बात करें अगर पंजाब की, तो जी हाँ, प्रीति जिंटा की टीम लगातार बुरा परफॉर्मेंस कर रही है और केएल राहुल को छोड़कर इन्होंने सबसे बड़ी गलती की है और इस वजह से पंजाब की टीम 11 मैचों में से सिर्फ और सिर्फ 5 मैच में जीत के साथ अब ये टीम पहुंच चुकी है पूरे 8वें नंबर पर, जबकि चेन्नई की टीम 9वें नंबर पर है, इन्होंने 11 मैच खेले हैं और सिर्फ 4 में ही जीत मिली है। तो वहीं मुंबई इंडियंस जो है वो 10वें नंबर पर है, 11 मैच में से सिर्फ और सिर्फ 2 मैचों में इनको जीत मिली है। तो यही था इस वीडियो में, वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।